नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर वीडियो चलती दिख रही होगी, आप इस प्रकार की वीडियो बनाकर यहाँ पर 5 सेकंड का टाइमर भी लगा सकते हैं। जैसे अभी आपको सामने वीडियो में 5 सेकंड का टाइमर भी चलता दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर टाइमर खत्म होगा आपका आंसर भी शो हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार की वीडियो अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कर लें। देखिए, मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की इमेज की आवश्यकता होगी जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसी इमेज पर आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद आपको इस ग्रीन टाइमर की आवश्यकता होगी। इस टाइमर को आप यहाँ पर इस वीडियो में लगाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज और इस ग्रीन टाइमर को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको इन दोनों को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको अपने मन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। इसके बाद आपको किसी परी वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 141GK लिख कर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 141GK लिख दिया है। इस प्रकार आपको यहाँ पर 141GK लिख कर नीचे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर 141GK लिख कर सर्च करोगे, आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा GK वीडियो कैसे बनाए। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे, आपको यहाँ पर डाउनलोड के बटन मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इमेज का डाउनलोड बटन दिया गया है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर टाइमर का डाउनलोड बटन मिल जाता है। और देखिए, अगर आपके मोबाइल में काइनमास्टर ऐप पहले से नहीं है तो आप यहाँ से काइनमास्टर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इन सभी को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में काइनमास्टर ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 16:9 वाला साइज चूज कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर मीडिया का आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करोगे, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में आने के बाद आपको इस इमेज को चूज कर लेना है जिसे आपने अभी डाउनलोड किया था। इसके बाद आपको इस इमेज की लेयर पर यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे खींच कर बड़ा कर देना है। जितनी लंबी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, 2-3 मिनट की जितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हैं उतना लंबा खींच दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पीछे आना है और ऊपर आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाला आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट इसका रखना है उसी पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, इसका फॉन्ट बदल चुका है। अब आपको इसका कलर बदलने के लिए आपको यहाँ पर इस कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए, यहाँ पर ये ब्लैक कलर सही से नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर शैडो को ऑफ कर देना है। अब आपको इसे ऊपर यहाँ पर सही से रख देना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बड़ा करके रख दिया है। इस प्रकार आप भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर बाइब राइट वाला एनिमेशन लगाया। इस प्रकार आप यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं और आप इस क्वेश्चन वाली लेयर को भी यहाँ पर बड़ा कर दीजिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इस प्रकार आप यहाँ पर कम से कम 10 से 20 सेकेंड तक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पीछे आना है और आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब फिर से आपको यहाँ पर लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। लेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपने एक एक करके ऑप्शन लिख देने हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख कर ओके करना है और आपको यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करके इसका फॉन्ट बदलना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर कलर बदल सकते हैं और आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर शैडो को भी ऑफ कर दीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर शैडो को ऑफ कर दिया है और आप यहाँ पर इसे रख दीजिए। इसकी भी लेंथ आप यहाँ पर क्वेश्चन के बराबर कर दीजिए और आपको पीछे आना है। फिर से आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन और लिख लेने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे आना है जहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इस मीडिया वाले आइकन पर नहीं क्लिक करना है। ऊपर आपको यहाँ पर एक और मीडिया वाला आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप आपको अपने फ़ोन की गैलरी से उस ग्रीन टाइमर को चूज कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर ग्रीन टाइमर आ चुका है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर इसे इनेबल कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर ग्रीन वाला पीछे वाला कलर हट चुका है। अब आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इसे छोटा करके सही से रख दीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब आपको यहाँ पर आगे आना है जहाँ पर ये टाइमर खत्म होता है।
इसके बाद अब आपका जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन सही है, तो देखिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर इस कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इस तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर इस सही वाले ऑप्शन के दो पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। आपको यहाँ पर ठीक से देखना है, आपको यहाँ पर आगे वाले पार्ट पर क्लिक करना है। आगे वाले पार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करना है। जैसे आपको देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन लिखा दिखाई देगा, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर ब्लिंक स्लो पर क्लिक कर देना है। देखिए आपका ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे करना है, आपको यहाँ पर 3-4 सेकंड तक आगे करने के बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस लाइन से आगे की लेयर को यहाँ पर सबको कट कर देना है, इसके बराबर कट कर देना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखा रहा हूँ, आपको इसी तरह से सभी पीली वाली लेयर को कट कर देना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक किया, देखिए आपको यहाँ पर कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कट कर देना है। देखिए जिसमें यहाँ पर कट कर रहा हूँ, इस पर आपको यहाँ पर एक एक पर क्लिक करके यहाँ पर कट कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर सभी को बराबर कट कर दिया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। केवल आपको यहाँ पर इस मेन लेयर को रहने देना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर पीछे करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा आपका, देखिए यहाँ पर सेकंड चलने लगेगी। जैसे यहाँ देखा टाइमर खत्म होगा आपका, देखिए यहाँ पर सही वाला ऑप्शन भी शो हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका क्वेश्चन जहाँ पर खत्म हुआ आप यहाँ पर आगे कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर लेयर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करके आप अपना दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखना और टाइमर लगाना भी बताया था, आप जितने भी क्वेश्चन लिखना चाहते हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पर पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर वॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करोगे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होने लगेगी, आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन और आंसर बोल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर ब्लू वाली लेयर में आवाज़ रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हैं, कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप अपने फोन की गैलरी से म्यूजिक को चूज कर सकते हैं। जब आपकी पूरी वीडियो बन जाए तब आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसी वीडियो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन देखिए, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके फोन में सेव होने लगेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।